लेकिन उसको अभी पता चला उसकी फ्लाइट दोपहर 1 बजे की है। आंखें देखो, आंखें बाल देख। देखो, लड़ाइयाँ हो रही हैं। मिस करोगी मुझे? बहुत ज्यादा मिस करोगी। ये देखे एक्साइटेड लड़कियाँ जा रही हैं। जल्दी जल्दी आना, शादी की तैयारियाँ करनी है हमने। वो देखे, अल्लाह माफ करे, यहाँ से शुरू हुआ वहाँ तक पहुँच गया। सुहान बस कर दो, खुशी खुशी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अंदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, अभी 10 बजे हैं और मैं उठ गया हूं क्योंकि मुझे बीकरा का फोन आया। उसकी फ्लाइट हमें लग रहा था रात 1 बजे की है, लेकिन उसको अभी पता चला उसकी फ्लाइट दोपहर 1 बजे की है। तो वहां पे वो लोग तैयारियां शैरियां कर रहे हैं फुल टेंशन में। तो उसने मुझे कहा कि आप भी प्लीज आ जाए, हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है, तो हमें 2 गाड़ियां लेके जानी है। अंकल और मैं जाएंगे उनको छोड़ने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी अब तैयार हुआ और मैं जा रहा हूं उनको पिक करने के लिए, फिर जाना हमने एयरपोर्ट। मुझे पता है वो इमोशनल हुई नहीं है, तो अभी जाते हैं उसको पिक करते हैं। उसको अब तंग नहीं करना, उसको अच्छे से बाय करके आएंगे ताकि वो अच्छे से काम करके आए, फिर वापस आए और जल्दी जल्दी हम फिर सारी तैयारियां शुरू करें जो जो चीजें रह गई हैं। अभी चलते जाके इकरा को पिक करते हैं और फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। पार्टनर मेरा अभी सो रहा है इसलिए उससे अभी नहीं मिलवा रहा। जब मैं वापस आऊंगा इकरा को छोड़ के एयरपोर्ट से, फिर आपसे मिलवाऊंगा उसको। लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग गए हैं पहुंच, अब अंदर चलते हैं और जाके इकरा वगैरह से मिलते हैं। वाह भाई वाह, अंदर का तो ये बदला हो। अच्छा, लोग तैयार नहीं हुए अभी तक। आजो, अस्सलाम वालेकुम। नींद में आंखें, कभी जिंदगी में 10 बजे उठी नहीं है। देखो फ्लाइट जो है क्या क्या करवाती है इंसान से। आंखें देखो, बाल देखो, फ्लाइट देखो इंसान से क्या क्या करवाती है। पैकिंग हो रही है, अभी तो तुम्हारी पैकिंग ही नहीं हुई। अरे बस नहीं पता था तुम्हारी फ्लाइट दोपहर 1 बजे की है। रात के 1 बजे की फ्लाइट है। अगर तुम्हें सुबह फोन ना होता तुम्हें तो सो ही रहना था ना। मुझे जब कहा ना दोपहर में आई आई बैंग वो दोनों सोई हुई है। उठो उठाओ उनको, अंकल ने मुझे कहा उनको उठाओ लेके जाना है और सामान वगैरह सारा पैक करो। अल्लाह माफ करे, गंद देखो इसके, गंद गंद हुआ हुआ है। चलो जल्दी करो, मैं भी हेल्प करता हूँ। गंद ही होना, गंद गंद अभी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा तंग करूंगा ना, डो पड़ेगी ये। मैं इसकी हेल्प करता हूँ फिर हम आते हैं। A few moments later. So guys, सारी पैकिंग मैंने करवा दी है। कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया इसने, ये देखे सब कुछ डन कर दिया। पहले भी मैंने आपको दिखाया था ऐसा था, अभी भी ऐसे ही। 2 घंटे फ्लाइट लेट है। क्या 2 घंटे लेट है? मुझे अभी पता चला है। अभी मुझे एमी उठा दिया था इतनी जल्दी। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, तुम्हें रेस्ट करने का टाइम, हमें टाइम स्पेंड करने का था, टाइम मिल गया। ओह यस, और सर रिलैक्स करते हैं अब क्योंकि फ्लाइट 2 घंटे लेट होगी। नाश्ता, फिर देखते नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर देखते क्या करना। 2 hours later. पापा अब ऊपर आ गए हैं, अब जो है ना वो सही डांड का पटारा। तो देखे पापा जिसने, ये 1 बज गया और अभी तक इसकी पैकिंग नहीं है। मेरा बैग देखे फुल, ये देखे अभी पैक किया। झूठ है, मैंने पहले ही दिखाया था लोगों को, कितने चलाक हो। फातिमा किधर है? फातिमा भी तैयार हो रही है, वो लेट हो रहे हैं, वो आधा 45 मिनट का सफर जाने का। पैकिंग शैकिंग हो गई है, 2 बज गए हैं, 4 बजे की फ्लाइट हो गई थी। वहाँ पे देखे सारे तैयार हो रहे हैं, वो सामान वगैरह लड़ाइयाँ हो रही हैं कि सामान वगैरह क्या क्या रखना है। और हम लोग रेडी हो गए हैं, 2 घंटे लेट होने। हम लोग रेडी हैं, हम लोग रेडी हैं। उनके हालात देखें, 2 घंटे लेट होने के बावजूद ना उनकी पैकिंग कंप्लीट है, अभी भी उनकी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं। और पापा बोल रहे हैं कि जे तुसी 11 बजे जाना था तो तुसी तक लेकिन बाकी सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है, बस अब निकलने लगे हैं। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं। मिस करोगी मुझे? बहुत ज्यादा मिस करोगी। मैं ज्यादा मिस करूंगी। कोई मैं क्या, आपकी तो जान छूट जाएगी ना, आप क्या, आपको नहीं मिस करोगे। अच्छा अच्छा सा एंजॉय करना, काम करना, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आना, कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आना। अगर पब्लिकली कोई चीज बताना चाहते हैं। पब्लिकली क्यों बताऊं, तुम्हें खुद बताना चाहिए। हर चीज बताऊं मैं है? देखें, तो मुझे हर चीज बताती हूँ कि मेरे लिए ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे बताती हूँ, मांगी थी गोल्ड की रिंग दे दो, गोल्ड की रिंग दे दो, हर बात बोली। मैंने कहा था ना इसे वो देना बनता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जाओ, फिर भी लेकर अच्छे से जाओ, अच्छे से वापस आओ और एंजॉय करना। इंशाल्लाह, डोंट वरी, व्लॉग्स देखते रहना, तुसी साडे मजा आएगा। ओके, देखते हैं देखते हैं, हम देखते रहेंगे क्या करते हैं ये लोग। बनाना व्लॉग्स आप लगा दिखाना तो इकरा जा रही है, तो अब मैं जाऊंगा। मैं रोज सोचता था मैं जिम जाऊंगा, मुझे रोज बुला लेती थी किसी ना किसी काम से, अब इकरा जा रही है तो मैंने कल से जिम शुरू कर देनी है। गाइस डन, 5 दिन बाद मैं देखती हूँ कि आप करते हो कि नहीं करते। बस देखना, करूंगा। अभी चलते हैं एयरपोर्ट के लिए, निकलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखे एक्साइटेड लड़कियां जा रही हैं फुल, बस सामान वगैरह रख लिया हमने, बस अब यहाँ से निकलते हैं और पहुंचते हैं आगे, देखते हैं इनको डिपार्चर करवा के आते हैं। ओके जी भाई, भाई ख्याल रखो, मिस करेंगे आपको बहुत ज्यादा। आपको भी, आपको भी, ध्यान से रहना सारे, ठीक है? और ज्यादा करूंगा। जल्दी जल्दी आना, शादी की तैयारियां करनी है हमने।
चलो बाय बाय, अच्छी अच्छी शॉपिंग करना, ठीक है चलो बाय बाय। सो गाइस को हमने ड्रॉप कर दिया था, उनकी बोर्डिंग हो गई है, मैं और अंकल निकल आए हैं, अंकल अब चले गए हैं घर। इकरा के सामने तो मैंने नहीं बोला लेकिन ऑब्वियसली मैं बहुत मिस करूंगा, तो जाहिर सी बात है तैयारी वगैरह सब कुछ चीजें वगैरह भी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोलता तो उसने रो पड़ना था लेकिन हम चलते हैं जाके काम वगैरह करते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। A few moments later. मैं आ गया था घर वापस, सारे काम शाम करके मैं घर वापस आ गया था और इसको देखें यहाँ पे आया हूँ तो ये फुल लाड़ा बना हुआ है शलवार कमीज पहन के और अब माशाल्लाह से इसने सीढ़ियाँ चढ़ना सीख लिया। लो जी और जिंदगी हमारी हुई है मुश्किल, ये दरवाजा खुलता है और ये यहाँ से भागता है ऊपर चढ़ता है, अब देखते हैं कितनी चढ़ पाता है। किसको बुला रहा है? चाची को छोड़ा है मैं, चाची को छोड़ा है, बड़ी हंसियां कर रहा है, सीढ़ियां चढ़ के बड़ी खुशी होती है इसको। वो देखिए अल्लाह माफ करे, यहाँ से शुरू हुआ वहां तक पहुंच गया, इसको नई आदत पड़ गई है। हम सोच रहे हैं यहाँ पे जंगला लगा लें ताकि ये ऊपर ना जाया करे, हमें पता भी नहीं होता ये ऊपर निकल जाता है और चढ़ जाता है, इसलिए ना हम ज्यादा टेंशन में होते हैं कि ये कहीं गिर ना जाए। अभी तो पीछे खड़ा हूं ना, ऊपर कौन है? ऊपर चाची है, खुशियां देखो। बस कर दे बस कर दे, नीचे आ जाओ जोहान, बस कर दो पिटू, खुशी खुशी। अल्लाह बचा लिया बचा लिया बचा लिया। ओए अल्लाह मेरा दिल बाहर आने लगा था, अल्लाह पता नहीं किस तरह मैंने उसका हार नीचे डाला इसके सर के, वरना इसका सर आज फट जाना था, अल्लाह माफ करे। नहीं करते ऐसे मेरा बेटा, शुक्र कर मैं पीछे खड़ा हुआ था। ओए मेरा दिल बाहर आने वाला, शुक्र है बच गया, इसकी मामा को नहीं पता अभी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है, अगर गिर जाता तो फिर, इतनी मुश्किल से इसको मैंने बचाया है, इतनी मुश्किल से मैं आपको बता नहीं सकता। मामा को जाके बताते हैं इसके साथ से अभी किया गया। तो गाइस मैं अंदर आ गया इसको फिराक रोक के। भाभी आपको पता क्या हुआ अभी? ये सीढ़ियां चढ़ने लग गया है ना, मैं पीछे देख रहा था ये आठवीं नौवीं सीढ़ी पे गया, पता नहीं भाभी मैंने कैसे मेरे रिफ्लेक्सेस काम किए हैं, वहां से नीचे गिर गया और मेरा हाथ सर के नीचे आया बच गया, वरना अल्लाह माफ करे इसका सर फट जाना था आज। क्यों आप जाते हो? दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी मैं क्या करूं, कुछ शर्म है इस बंदे को, कुछ शर्म है। क्यों गए थे आप ऊपर बेटे? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जंगला लगवाए सीढ़ियों के आगे, हमें पता नहीं चलता, लाजमी हो गया भाई। हम दरवाजा बंद करते हैं वो फिर भाग जाता है, जैसे थोड़ा सा चांस मिलता है। बाबू बिल्ला बना हुआ सलवार कमीज पहन के, अब नहीं जाना। हसियाँ देखें इसकी, बदतमीज़ की, मस्ता आ गए थे। शुक्र अल्लाह का बचत हो गई है, अब जाके बस खाना शाना खाते है, सारे काम कर रहा था और रिलैक्स करते है। ये लड़का ये एक्टर हमने मंगवाया है हॉलीवुड से, ये एक्टिंग करता है, ये देखे अकेला ही पीकाबू खेल रहा है। ये एक्टर है बहुत बड़ा पीकाबू एक्टर साहब, पापा कर सबको पहले किसी कर, बड़ा सूट तो बड़ा प्यारा पहना है, आए हाय मेहंदी में चले हो, जूता उतारो। तो गाइस खाना शाना मैंने खा लिया था, मसल चावल बने हुए थे मेरे फेवरेट, वो अच्छे से स्पून से खाए हैं। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। ऑब्वियसली इकरा को तो काफी मिस करूंगा यार, लेकिन कोई नहीं 5 दिन वापस आ जाएगी। और ये क्यों हंस रहा है बेशरत, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।